अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर था हमारा ट्रिप का सेकंड डे और इस वक्त यहाँ पे भी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और हम अपने होटल से चेकआउट करके जा रहे हैं सेंट्रल वेनिस, क्योंकि हमें वहां से ट्रेन लेनी थी रोम के लिए, तो इसलिए फिर हमें जल्दी वहां जाना था। तो हम यहाँ पहुंच गए थे 7 o'clock, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 9 o'clock की, तो हमें यहाँ पर आके ब्रेकफास्ट भी करना था, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर जल्दी आ गए थे। बच्चे थोड़े टायर्ड थे, हम लोग तो चलो ठीक थे, लेकिन बच्चों को रात को देर से सोना और फिर सुबह जल्दी उठना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन एनीवे बहुत अच्छे से हो गया था सब कुछ। तो यहाँ पर अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। एक यहाँ पे कैफेटेरिया था बहुत अच्छा, जहाँ पर हमने नाश्ता किया था सुबह का। ब्रेकफास्ट में यही था, क्रोसन्स थे और साथ हमने कैपुचिनो ले ली थी। ये क्रोसन्स थे जो फ्रेश बन रहे थे और बहुत ज्यादा मजे के थे, और इसमें डिफरेंट फिलिंग थी, जिसमें नुटेला की फिलिंग भी थी और कुछ में पिस्टेशियोज की भी थी और मार्मलेट की भी थी। तो हमने हर किस्म के ले लिए थे ताकि जिसको जो चाहिए वो ले ले। और बड़ों ने कैपुचिनो ले ली थी और बच्चों ने फ्रेश जूस ले लिया था इसके साथ। तकरीबन 4 घंटे में हम रोम पहुंच गए थे और रास्ते में हमने वेदर भी चेक कर लिया था। 42 टेम्परेचर था वहां पे। यहाँ पर दिन के 2:30 बज चुके हैं और हम लोग होटल से फ्रेश होकर बाहर आ गए थे, क्योंकि सबको भूख लग रही थी। तो उसके बाद हमने मेट्रो से जाना था, जो जो जगह हमने घूमनी थी। तो यहाँ पर एक इटालियन रेस्टोरेंट था, तो हमने वहीं से खाना खा लिया था। खाना इनका अच्छा था, एक दो चीजें तो बहुत अच्छी थी और एक दो चीजें नॉर्मल थी, लेकिन फिर भूख लगी हुई थी सबको, तो फिर हमने यही खाना प्रेफर किया। यहाँ पर ये फ्रेश पनीनी बना रहे थे और ये बहुत ज्यादा मजे की थी। अभी आपको नेक्स्ट वीक में नजर आएगा कि इन्होंने इसका क्या बनाया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा मजे के थे क्योंकि बिल्कुल फ्रेश थे। और इसके ऊपर जो टोमेटोज जब इन्होंने डाले थे ना, तो वो तो बहुत ही ज्यादा मजे के थे, क्योंकि उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट था। ये मोसरेला जो मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए मंगवाया था, क्योंकि ये हमारा फेवरेट है और हम तो यूज टू हैं इटली में खाने खाने के, तो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया था अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर हम कोलोसियम पहुंच गए थे और लोगों का बहुत ज्यादा रश था और गर्मी भी बहुत तेज थी, लेकिन बहुत मजा आया था यहाँ पर। आज से तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर लोग ऐसे ही चले जाते थे, तो जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें पता चला कि अब उन्होंने टिकट कर दी है, जो कि हमें ऑनलाइन बाय करनी थी, तो इस बात का हमें पता नहीं था। तो इसलिए बस ये हुआ था कि हम उसके अंदर नहीं जा सके थे, तो इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना सकी। लेकिन वेटिकन सिटी का अल्लाह का शुक्र है कि टिकट नहीं था, तो वहां पर हमने जाके काफी इंजॉय किया था, इसके बाहर ही इंजॉय कर लिया था और काफी अच्छा लगा था सबको।
ये कोलोसियम जो है वो 1000 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो जिन लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस अच्छी लगती हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस है। तो मेरे भाई जो है वो उनको हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाने का बहुत शौक है, इस तरह की जगह देखने का बहुत शौक है, तो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी ये जगह। ये है वेटिकन सिटी। यहाँ पर आते आते हमें शाम हो गई थी, लेकिन ये था कि थोड़ा वेदर भी अच्छा हो गया था, और जब रात के टाइम यहाँ पे लाइट्स ऑन हुई तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर ये शॉप्स थी जहाँ से हमने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की थी, कुछ सुवेनियर्स ले लिए थे बच्चों ने, और शॉपिंग भी बहुत अच्छी है रोम में। यहाँ पर हर तरह की ब्रांड्स की शॉप भी हैं, और काफ़ी सारी मार्केट्स भी यहाँ पर लगती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी।
यहाँ पर हो गई है रात और इतना खूबसूरत लग रहा था ये सारा। वेटिकन सिटी तक हम मेट्रो पर आए थे, लेकिन उसके बाद हमने बस पे ही घूम लिया था सब जगह पे। मेरे हस्बैंड क्योंकि यहाँ पर 4-5 साल रहे हैं रोम में, तो इसलिए उन्हें हर जगह का पता था और उन्हीं के साथ फिर हम लोग आगे पीछे गए थे। ये सामने शॉपिंग सेंटर है, लेकिन रात हो गई थी यहाँ पर, तकरीबन 8 बजे का टाइम था, तो फिर इसलिए यहाँ पर शॉप्स बंद हो गई थी, लेकिन वैसे बहुत एंजॉय किया था। अभी हम प्यासा नमूना में आ गए थे और बहुत मजा आ रहा था, बहुत अच्छी जगह थी। रोम असल में बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए, तकरीबन 2 से 3 दिन होने चाहिए। हमारे पास क्योंकि टाइम कम था, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा नहीं घूम सके। पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और हम लोग वापस जा रहे हैं लंदन। हमारी फ्लाइट का टाइम था अर्ली मॉर्निंग में, तो एंजॉय बहुत किया था सबने, थक भी बहुत गए थे, बच्चे बहुत थक गए थे, लेकिन एंजॉय भी बहुत किया था। यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।